चैप्टर थर्ड में रिवीजन करेंगे हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नाउ अब है आपका व्हाट इज द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या कहा था, देयर आर द टू लॉज, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वेशन। ये ना पढ़ा था, लॉ ऑफ conservation of mass and law of the and that is the law of definite proportion or the law of constant proportion। ठीक है, चलो अब बताओ तुम लोग, पढ़ा है, इसमें बताने की कोई चीज नहीं है, अब बताइए आप लोग, the law, what is the law of conservation of mass, what is the law of conservation of mass, anyone? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद टोटल मास जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट मस्ट बी इक्वल, दैट इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नाउ सपोज दैट ए 2 ग्राम ऑफ ए एंड द 2 ग्राम ऑफ बी रिएक्ट विथ ईच अदर, दैट फ्रॉम दी दैट मस्ट फ्रॉम दी टू टू और फोर एनी ग्राम ऑफ द ए सी और डी, बट द टोटल मास ऑफ सी और डी इज इक्वल, दोनों ही इक्वल होना चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक साथ आ जाया करो। चलिए अब हम लोग उसके बाद सेकंड लॉ क्या है, व्हाट इज द सेकंड लॉ, व्हाट इज सेकंड लॉ, व्हाट इज सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, व्हाट इज अबाउट दैट, इसमें इसके अनुसार क्या होता है। द केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स कंबाइनिंग टूगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाई द मास। अगर कोई एक कंपाउंड है तो उसके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, हाँ चैप्टर थर्ड कर देते हैं, 4 हो गया है, 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, नहीं ना है, हाँ तो चैप्टर 4 थर्ड कर लो। ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, मान लो फॉर सपोज कर वाटर है, वाटर इज H2O है, तो वो हमेशा H2O ही रहेगा। इन एनी केस अगर हम लोग मान लो H2O2 कर देते हैं तो वो न्यू कंपाउंड बन जाएगा, इफ़ द सोर्स ऑफ द वाटर इज एनी वे वो टैप वाटर हो, वाटर वेपर हो, आइस हो, बट केमिकली दैट इज द H2O, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, की हमेशा उसका प्रोपोर्शन जो है इमेज का इन द सर्टेन कंपाउंड दैट विल बी सेम, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। नाउ अब सपोज दैट ये कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे तो CO2 ही लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे इसके लिए, CO2 ही लिखते हैं, और हमेशा वो CO2 लिखेंगे, अगर हम CO लिख देते हैं तो वो न्यू कंपाउंड में जाता है, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, है कि नहीं ऐसा, होता है कि नहीं ऐसा, अगर सपोज करो यस नाउ अगर सपोज करो CO2 है, CO2 ठीक है ना, CO2 क्या हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जब भी जैसा भी किसी फॉर्म में रहेगा, किसी से इमिट करेगा, दैट इज दैट प्रोपोर्शन विल बी सेम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन इज 1 एटम एंड ऑक्सीजन इज 2 एटम, दैट इज कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मान लो इसका प्रोपोर्शन चेंज कर गया, दैट वुड बी द फॉर्म द न्यू कंपाउंड, अगर कार्बन CO है तो वो दूसरा कंपाउंड बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट,
दैट इज अ न्यू कंपाउंड. वाटर है हमेशा H2O ही रहेगा, H2O ही है, ठीक है ना. ये अगर H2O2 हो जाता है इट मीन्स दैट इज द न्यू कंपाउंड. हाइड्रोजन पराक्साइड टोटल प्रॉपर्टी डिफरेंट. सो वन कंपाउंड का देयर आर द डिफिनेट प्रोपोर्शन, डिफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट आर टेकिंग प्लेस. द सोर्स मे बी एनीवे, कहीं से भी वो बने, कुछ भी बनेगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगी, तो सेम रहेगी, ठीक है. दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. चलिए परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड कैसे फाइंड करेंगे. परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड हम लोग को अगर फाइंड करना होगा तो क्या होगा, द मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय नंबर. इससे हम लोग को परसेंटेज निकल आता है. किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हमको कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो क्या करें, तो क्या करेंगे हम लोग, मास ऑफ द कार्बन डिवाइडेड बाई मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई 100 करेंगे निकल जाएगा कि CO2 में कितना परसेंट सी कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है. एनी प्रॉब्लम हियर नाउ. वट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये याद करने के लिए बोला गया था आप लोगों को, कितना थ्योरी है पूरा याद करते जाओ, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज गिवन बाय, पहले डाल्टन ने क्या दिया था, वट इज द डाल्टन पोस्टुलेट्स. अकॉर्डिंग टू द डाल्टन द एटम कैन नॉट बी, एटम इज द इनडिस्ट्रक्टिबल, वो डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है ना. बट नाउ डेज दैट इज देयर आर सो मेनी फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट. They have the different properties. This atom is formed by the combination of that contains the different fundamental particle in the atom. So, पहले Dalton का क्या है? Dalton का क्या है? What is the Dalton postulate? All the matter, whether an element, a compound or a mixture, is made up of the extremely small particle called the atom. उन्होंने क्या कहा, सपोज कर लो ये चौक है, इसको हम लोग बहुत ब्रेक करते जाए तोड़ते जाए एकदम एक सबसे छोटा जो पार्टिकल मिलेगा, ठीक है बता देंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे, अभी पहले थोड़ा भी पढ़ो फिर हम उसको भी बता देंगे. तीन ही चैप्टर तो पढ़ना ही है, तीन तीन हर जगह मिल जाए, ठीक है क्या. नहीं पहले उधर से एक वन एक को हटाया गया है ना, रिड्यूस किया करवाया गया है, तो अभी तो तुम पढ़ने, आई थिंक चैप्टर वन और चैप्टर टू, आई हैव नॉट सीन द सिलेबस फर्स्ट बिकॉज आई एम गेटिंग द आफ्टर बिफोर द टू और थ्री मंथ्स इन क्लास 9 इन दिस ईयर, ठीक है ना. तुम लोग का जब ऑफलाइन शुरू हुआ तभी तो मेरे को मिला है, उससे पहले तो मेरा था नहीं, था तुम्हारी क्लास में, और हर साल ये चेंज करते जा रहे हैं, तो अभी हम देख के बता देंगे. वन एंड टू बोथ, ओके कोई डॉट कोई भी करते हैं, अगर वो वन टू डिलीट किया है तो कोई बात नहीं, देख लो देख लेंगे अभी क्या है फिलहाल, अभी हमको इसको. हाँ चलो क्या है इसका, तो वट इज अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, जो सबसे बन उसको देख करते हैं तो सबसे जो छोटा पार्टिकल है दैट वेरी पार्टिकल कॉल्ड दी एटम, है ना. अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन ने पहले तो ये किया तो क्या पाया ना, वन मिनट हमको ठीक है ना. अब हम लोग देखते हैं सेकंड लॉ क्या है, एटम इज द सेम एलिमेंट आर द आइडेंटिकल इन ऑल द रिस्पेक्ट. अगर एक एलिमेंट लेते हैं सपोज करो आयरन ले लिए या फिर कॉपर ले लिए, तो जितना भी उसका एलिमेंट है एटम, जितना भी उसका एटम इन द सर्टेन एलिमेंट दैट ऑल हैव द सेम प्रॉपर्टी, यही ना प्रॉपर्टी रहेगा कि अलग अलग रहेगा, दैट ऑल हैव द सेम प्रॉपर्टी. एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट साइन. नाउ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर द आइडेंटिकल इन ऑल द एस्पेक्ट, आइडेंटिकल इन ऑल द एस्पेक्ट दैट इज द साइज शेप मास प्रॉपर्टीज. थर्ड असम्पशन क्या है इनका, थर्ड पोस्टुलेट, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट साइज मास
एंड ऑल्सो पॉजेस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर वो डिफरेंट एलिमेंट है ही है तो उसकी प्रॉपर्टी तो डिफरेंट रहेगी ही, है ना, शेप साइज तो डिफरेंट रहेगा ही, है ना, क्योंकि और भी चीज़ें हैं जिस पे वो डिपेंड करता है कि दैट आर द डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट ना। फोर्थ वन इज एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। एटम्स ऑफ द सेम और द डिफरेंट एलिमेंट, एक ही तरह का या फिर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेगा टुगेदर टू फॉर्म द टू फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड। व्हाट डज मीन एटम ऑफ द सेम और द डिफरेंट एलिमेंट अगर आपस में कंबाइन करता है तो कॉम्बिनेशन को भी क्या बना देगा, मॉलिक्यूल बनाएगा और कंपाउंड बना सकता है, कंपाउंड बनाता है ना। जैसे Cl2 है, O2 है, ये मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। H2 है, O2 है, H2O हो गया, Cl2 हो गया, H2O हो गया, तो दीज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मॉलिक्यूल्स आर द टू टाइप्स, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए फोर, एटम्स ऑफ द सेम और द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, ये हो गया। फाइव में क्या है, व्हेन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड दे डू सो इन द सिंपल होल नंबर रेशियो, माने 2:1, 2:1, 2:3। अगर कोई एलिमेंट अपना कंपाउंड बनाता है, व्हेन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड, अगर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, दो तरह का एलिमेंट मान लो कार्बन है ऑक्सीजन है, आपस में अगर कंबाइन किया अलग अलग रेशियो में, अगर डिफरेंट रेशियो में कॉम्बिनेशन करता है तो दे फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड का बता दिए, अगर CO2 है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, डिफरेंट रेशियो में वो कंबाइंड हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, बात क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा, स्कूल में कुछ ऐसा चल रहा है काम जिसकी वजह से, हाँ बोलो, अब क्लियर है, समझ गया, चलिए ठीक है। स्कूल में कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्या हुआ, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड का मोनोऑक्साइड का पढ़ लिया था, क्या था तुम लोग खुद को बताओ, अभी मैंने बढ़ा दिया, मैं हम बता दिए, अब उसी चीज़ को तुम पहले बताओ, ठीक है ना। ये फिफ्थ वाला क्या बताया, व्हेन द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड दे डू सो इन द सिंपल होल नंबर रेशियो, जब वो डिफरेंट कंपाउंड बनता है और ये हमेशा क्या करता है, होल में करता है, सिंपल होल रेशियो, मतलब अगर CO2 है तो उसका हाफ नहीं रहेगा, फ्रैक्शन में वो नहीं बनाता है, जब भी बनाता है तो वो होल नंबर बनता है, 2:1, 1:2 इन दिस वे, है ना। H2O है, 2 atom hydrogen, 1 atom oxygen, ना कि 1/2 ये हाइड्रोजन का 1 atom और ऑक्सीजन का 1/2 atom, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो जब भी वो कंबाइन करेगा तो वो क्या बना देगा, जब भी वो कंबाइनेशन करता है तो होल नंबर में करता है, ना कि वो फ्रैक्शन में करेगा, ठीक है ना। दैट ऑलवेज कंबाइन इन द होल नंबर नॉट इन द फ्रैक्शन एंड फॉर्म द कंपाउंड, और हमेशा एक कंपाउंड का रेशियो अलग का सेम रहेगा, अगर उसकी रेशियो चेंज कर गई तो वो कंपाउंड ही डिफरेंट बन जाएगा। नाउ एटम्स ऑफ द टू डिफरेंट एलिमेंट मे कंबाइन द डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म द मोर देन वन कंपाउंड, ये तो हम बता ही दिए, अगर वो डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट को फॉर्म करता है, कॉम्बिनेशन करता है तो डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक ही तरह से वो कंबाइन करें, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड CO बनाया, CO2 बना दिया, तो दो तरह से वो कॉम्बिनेशन करता है, तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स, याद रहेगा सभी को। डाल्टन्स पोस्टुलेट लिखने के लिए आता है, वॉट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट, वॉट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन, गैस एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहेंगे,
दैट इज कॉल्ड द एटम्स. सेकेंड वन, सेकेंड इज वॉट? एटम्स ऑफ द कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ठीक है. और सेकेंड में पॉस्टुलेट्स में छह पॉस्टुलेट्स बुक में दिया हुआ है. बोलो सेकेंड क्या है? यस, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं सब हैव द सेम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज. उसका शेप साइज जो भी है वो सेम रहेगा. उसका रिएक्शन करने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज सेम. नॉट दी अपर पार्ट या लोअर पार्ट. सपोज करो ये मेरा कोई स्टिक है, तो उसका अपर पार्ट का प्रॉपर्टी कुछ और है, लोअर पार्ट का प्रॉपर्टी कुछ और, ऐसा नहीं होता. यस चलता. थर्ड क्या है? थर्ड क्या हुआ? एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी, है ना. अगर मान लो कि गोल्ड का है, सिल्वर का है, एटम्स है, तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, ठीक है. नाउ फोर्थ क्या था, जल्दी बता दो. फोर्थ क्या है? खुद से बताते जाओ जल्दी से. एटम्स ऑफ द सेम और द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स. कंबाइन करके मॉलिक्यूल ही ना बनाएगा, कंपाउंड ही ना फॉर्मेशन करेगा. फिफ्थ क्या होगा? हाँ, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन ऑलवेज इन द होल नंबर नॉट इन द फ्रैक्शन. नाउ सिक्स, सिक्स में क्या था? एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये तो था ही. और क्या था सिक्स में? एटम्स ऑफ द टू डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन इन अ डिफरेंट रेशियो. अगर दो डिफरेंट एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन तो डिफरेंट रेशियो में वो कॉम्बिनेशन कर सकता है, CO2 बना सकता है, CO बना सकता है, ठीक है ना. अगर वो H2O है तो वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो H2O बना सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बना सकता है. तो रेशियो इसकी डिफरेंट, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट रेशियो में डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन वो कर सकता है. उसके बाद क्या है? द नंबर एंड काइंड्स ऑफ द एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज सिक्स. सिक्स रेशियो. एटम इन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. इन वर्ड, इन अदर वर्ड, द होल एटम रादर देन द फ्रैक्शन ऑफ द एटम टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. एंड ऑलवेज द होल पार्ट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, नॉट द वन पार्ट, ठीक है. जब भी रिएक्शन करता है तो उसका होल होल पार्ट उसमें पार्टिसिपेट करता है, ना कि उसका वन वन एंड वन बाई वन हाफ पार्ट और दी वन बाई फोर पार्ट. एंड एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एटम इज इंडेस्ट्रक्टिबल. चलिए अदर फोर्थ का क्या था? लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन क्या क्या है? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल? रदरफोर्ड मॉडल का लिमिटेशंस क्या था? फर्स्ट क्या है? एटम्स इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल. बाद में ये पता चला कि एटम जो है वही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, दैट आर डिस्ट्रक्टिबल. उन्होंने इंडिस्ट्रक्टिबल दिया, अब निकल गया तो वो क्या है? डिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है. एटम्स इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड इज एज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स. सेकेंड, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव द डिफरेंट मास. ये तो पहले तुम लोग का क्लियर हो ही चुका है फोर में. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मास. उन्होंने क्या दिया? अगर एक एलिमेंट है तो उसका मास हमेशा सेम रहेगा. बट हियर इट इज ऑब्टेन्ड दैट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट. नाउ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एक ही तरह के एलिमेंट का मे हैव द डिफरेंट मासेज. जैसे क्लोरीन का मास क्या था? C35 भी है, C37 भी है
हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे थे। क्लियर? तो सेकंड एंगल इमिटेशन क्या है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव द डिफरेंट मासेस, दैट इज कॉल्ड द आइसोटॉप, जिसको हम आइसोटॉप कह रहे थे। नाउ थर्ड क्या है? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट में हैव द सेम मास। ये भी तो उन्होंने दिया कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका मास हमेशा डिफरेंट ही रहेगा। इसको अब हम लोग ऐसे बार भी तो निकाल दिए, तो अब क्या कह रहा है थर्ड में? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट में हैव द सेम मास। इसका एग्जांपल में कोई बता सकता है? एनीवन? एनीवन? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट में हैव द सेम मास। Yes, argon, potassium, calcium, they have the same mass. They are the different element. तो ये भी उनका limitation हो गया। Now, fourth, substances made up of the same kind of the atom may have the different properties. इन्होंने कहा कि अगर एक element बनाता है, compound बनाता है, तो उसकी property जो है ये तो same है। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारा, तो अब क्या निकला है? सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ द एटम। अगर एक ही मान लो कार्बन से कार्बन आपस में कंबाइन कर रहा है, तो ये दैट मे फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। कैन यू गिव एग्जांपल? कार्बन का डिफरेंट फॉर्म्स बता दो। एटम्स, सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ द एटम मे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसमें क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, ये भी पढ़ाई हुआ है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या क्या है? चारकोल, ग्रेफाइट, पढ़ा है ना? चारकोल है, ग्रेफाइट है, डायमंड है। दीज ऑल आर मेड अप ऑफ द सेम कार्बन एटम, बट दैट हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो दैट इज ऑल्सो द पॉस्टुलेट्स ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द डाल्टन्स पॉस्टुलेट। नेक्स्ट क्या है? The ratio in which the different atom combine to form the compound may be fixed and the integral, but may not be simple. Integral हो सकता है लेकिन simple नहीं भी हो सकता है। जैसे कि तुम्हारा कार्बो है, ये sugar है, C12H2O11 contain CH and O, in the ratio is 12:22:11 is the integral and fixed but not the simple. Simple तो नहीं है। So these are the postulates of the Dalton's theory. Clear है सभी का? चलिए अब next point में क्या है हमारा? What is an atom? Atom का definition सभी ने लिखा है, लिखवाए थे, लिखवाए है ना? An atom is the smallest particle of an element which may or may not exist in a free state but take part in a chemical reaction, that is called atom. है ना? वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो जो जितने भी ये नोबल मेटल्स हैं जो कि लिस्ट रिएक्टिव है, दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द, किस फॉर्म में है वो? एटॉमिक स्टेट में ही वो फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट मिलता है। जितने भी नॉन गैसेज हैं दैट आर ऑब्वियसली इन द फ्री स्टेट, नो नॉट इन द कंबाइंड स्टेट। ठीक है, वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। इतना सारा क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग इसके बाद क्या है? हाउ द बिग आर द एटम इज, एटम कितना बड़ा हो सकता है? एट अ वेरी स्मॉल, अगर हम एक पतला सेट लेते हैं उसमें तो मिलियंस, कितना मिलियंस बिलियंस ऑफ द एटम्स आते हैं, तो ये बहुत ही स्मॉल है, देख नहीं सकते। दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आईज, हम लोग उसको नेकेड आईज से नहीं देख सकते। उसके बाद भी उसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल प्रेजेंट है ना? उसके बाद क्या है सिंबल? अच्छा, बहुत सारे जब एटम्स की डिस्कवरी हो गई तो उसको हम लोग, उसको
शो करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या यूज करते थे, सिंबल्स ना, उसको पूरे वर्ल्ड में दिखना, तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, दैट्स वाई दैट सिंबल इज यूज। तो सिंबल याद है सभी को, अप टू 1 to 20 तक सबको याद होना ही चाहिए, है ना। व्हाट इज द सिंबल, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज कॉल्ड सिंबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल्स, द सिंबल, ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल्स मीन्स अ शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। फुल नेम लिखना, अब रिएक्शन लिख रहे हैं, कंपाउंड लिख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा नाम लिखेंगे, उसके लिए कुछ सिंपल यूज करना चाहिए, है ना, सिंपल, तो दैट इज कॉल्ड द सिंबल। कैल्शियम, इतना बड़ा वर्ड कौन लिखेगा, पोटेशियम, तो दैट इज यूज सी ए, या फिर पोटेशियम के लिए के, दीज आर वर्ड्स। नाउ अब है आपका, और क्या था, मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, ऑसिलेटर, उसके लिए क्या क्या, ये सब बताने की अब चीज़ नहीं है, ये सब रिविजन की चीज़ नहीं है, यहाँ कैसे उसको लिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, है ना। चलिए तो सबको याद, हाउ इज द एटम एग्जिस्ट, एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक फॉर्म में या फिर मॉलिक्यूल फॉर्म में, ठीक है, जो रिएक्टिव है वो मॉलिक्यूल फॉर्म में, जो इनरिएक्टिव है, इनर्ट है, दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। एग्जाम्पल दो, दो मॉलिक्यूल फॉर्म में कौन करता है और एटॉमिक फॉर्म में कौन कर सकता है, चलो बता दो, एग्जिस्ट क्या करता है, एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट विद द अदर एटम, क्या होगा, जैसे एच टू है, ओ टू है, सी एच टू है, तो ये हमेशा मॉलिकुलर स्टेट में ही रहेगा, है ना, ये एटॉमिक स्टेट में नहीं रहेगा। ए यू है, एच यू है, तो ये सब जितने भी इनर्ट जैसे हैं, तो वो स्टेट। अब है आपका एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास, ये सब करवाए हैं, लिखवाया गया है आप लोगों को, व्हाट इज द एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक मास, है ना। लेकिन हम लोग उसको एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1980, मास निकालने के लिए विच एलिमेंट, किसी भी चीज को मास निकालने के लिए हम लोग किसी चीज से कंपेयर करते हैं, है ना। जब मान लो कि हम लोग 1 kg जब ब्रांस खरीदने गए, तो उसका 1 kg का बाट रखा, तब उसके बाद उसको मेजर करके ले आया, तो अगर हम लोग एटॉमिक का मास यूनिट करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट, कंपेयर करते हैं, रिलेट करके लेते हैं, है ना। तो रिलेट करने के लिए किस एलिमेंट को सबसे पहले सिलेक्ट कर दिया गया, को ही सिलेक्ट किया गया, ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद वो अप्रोक्स में नहीं आता, तो वो तो अप्रोक्स में आ रहा था, एग्जैक्ट नहीं आता, फिर उसके बाद जो ज़्यादा एग्जैक्ट है, कार्बन, बिकॉज ऑफ दी कार्बन एग्जिस्ट इन, कार्बन हैव द मास जो भी है वो नॉट फाउंड इन अ फ्रैक्शन बट इन द होल नंबर, दैट इज 12। तो अभी एटॉमिक मास यूनिट क्या है, व्हाट इज एटॉमिक, उससे कार्बन से ही रिलेट करके किसी भी एटम का हम लोग मास को निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। एंड व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, व्हाट इज द डेफिनेशन, यू हैव रिटन इन योर नोटबुक, नोटबुक में तुम लोगों ने लिखा होगा इसका, हम डेफिनेशन ये भी लिखवा देते, फार्मूला भी लिखवा देते, चलो इसको रिविजन करो, पहले बताओ मुझे व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, बोलो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट,